नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार फिर से एक नई लेक्चर के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएक्शन। जैसे हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि सबस्ट्रेट होता है प्लस रिएजेंट होता है, जब ये दोनों मिलते हैं उसके बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद क्या होता है आपका प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये क्या देख रहे थे कि यहाँ पे आपका क्या है रिएजेंट है। रिएजेंट क्या काम कर रहा है, अटैक करता है। वैसी स्पीसीज जो दूसरे में क्या कर रहा है, अटैकिंग करने का काम कर रहा है। जैसे किस पे अटैक कर रहा है, तो जहां पे बॉन्ड का टूटना फूटना होता है, तो ये कहां पे हो रहा था, सबस्ट्रेट पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिएजेंट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट या टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टॉपिक क्या हो गया, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तो रिएजेंट में हम लोग देखते हैं कि मुख्यतः दो प्रकार के रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के रिएजेंट होते हैं। एक हम लोग का होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, फाइल मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब लवर, इलेक्ट्रॉन्स को लव करने वाला, तो क्या हो गया फाइल मतलब क्या हो गया, लवर। मींस क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है, इलेक्ट्रॉन को चाहता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा तो कोई उसी के पास जाएगा ना जिसके पास कोई चीजें कमी होगी। बात कर जाए मेरे पास कुछ चीजों की कमी है, तब ना हम दूसरे के पास जाएंगे। तो जो ये इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होते हैं। मीन्स इसके पास कोई चीजों की कमी है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है, और इसके पास साथ ही साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, अब ये जो होता है इलेक्ट्रॉन की कमी वाले, तो ये किस पे अटैक करेगा, जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मीन्स ये अटैक करेगा किसके ऊपर, अटैक किसके ऊपर करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के पास, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। समझा रहा है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। ये अटैक किसके ऊपर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, अटैकिंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग दो लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन की, इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है। तो लिखते हैं द रिएजेंट हैव एन एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन दैट इज फॉर द नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहता है कि वैसे स्पीसीज जिसके पास एफिनिटी क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स लवर जो कर रहे, लेकिन ये किसके प्रति क्या कर रहा है, नेगेटिव सेंटर के प्रति क्या हो रहा है, कि नेगेटिव सेंटर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है,
मींस नेगेटिव सेंटर मींस जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, उसके ओवर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, वहां पे जाके अटैक कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम से जानते हैं। कि वैसे रिएजेंट जिसके पास एफिनिटी हो इलेक्ट्रॉन्स की, क्या होती एफिनिटी है, दैट मींस क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज के प्रति संबंध बनाने की कोशिश करता है, नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको जो होता है इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी, डिनोटेड बाय ऐसे ही लिख देना है, उसके ऊपर प्लस चार्ज लिख देना है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के रूप में डिनोट करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर है तो इस रूप से डिनोट किया जाता है। अब ऐसे नहीं कि जितने भी प्लस चार्ज वाले वही इलेक्ट्रोफाइल होंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिनोट करने का क्या है, टर्म ई के ऊपर प्लस चार्ज लिख देते हैं, वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। समझ में आ रही बात है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हल्का सा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं, कि कई कौन सा आयंस है जो इलेक्ट्रोफाइल है, मींस न्यूक्लियोफाइल के प्रति अट्रैक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हम लोग लिखते क्या, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आगे इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। There are following types of electrophile. File मतलब लगिंग। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, वो देखिए, तो टाइप्स में फर्स्ट टाइप क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कि वैसे स्पीशीज जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, वैसे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे आपका क्या है, एग्जांपल के रूप में हम लोग ले लेते हैं, सीएल के ऊपर प्लस चार्ज, बीआर के ऊपर प्लस चार्ज इस टाइप में। ठीक है, और भी कह सकते हैं आई के ऊपर प्लस चार्ज, ये सब क्या हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आता है। ठीक है, और भी दे सकता है आपका, जैसे क्या हो जाएगा कि आपका कार्बोनियम आयन वाला दे देगा कि CH3 के ऊपर प्लस चार्ज वाली, तो ये मुख्यतः रूप से ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल काम किया जाता है, हम लोग को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि ये जो होते हैं प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल या प्लस चार्ज वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ही नहीं होगा। ठीक है, हल्का सा ध्यान देना है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ऑल द पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, अब यहां पे आ गया होगा कि क्या ये क्या गलत तो नहीं बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोफाइल, हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन यहां ध्यान देना है कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, जैसे देखिए आपका एग्जाम्पल में, जैसे आपके पास दे दिया NH4 के ऊपर प्लस चार्ज या H3O के ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारी किताबों में दिया हुआ मिलेगा आपको कि ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है, डीपली समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, या नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बातों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज होना चाहिए, मींस उसके पास ऑर्बिटल जो है वो खाली होना चाहिए, अगर खाली ऑर्बिटल नहीं है तो उसके वो किस मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा, मींस जैसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को आएगा ना, तो
क्या कर रहा है कि इसके पास अगर खाली जगह नहीं है और वाइटल अगर खाली नहीं है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भरेगा कहां से, ठीक है। जैसे हम लोग देख रहे कि NH4 है, तो NH4 में क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया सेंट्रल लेटर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 1H2, 2H2, 2P3 ऐसा होता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग करते आए हैं प्रीवियस लेक्चर में हम लोग किए थे, जो नहीं देख पाए वो देखें, ठीक है। ऐसे होता है, अब देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर गए, ठीक है। अब 2p के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2p के पास सिर्फ नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितना हाइड्रोजन है 4, तो एक हाइड्रोजन यहां इसमें शिफ्ट हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहा है, एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां भर रहा है अपना ऑर्बिटल, तो भर गया ना। अब ये जो है एक हाइड्रोजन ये क्या कर रहा है, इसके साथ H+ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के मींस इसका किसी का ऑर्बिटल जो है वो खाली है ही नहीं, देखो कहीं ऑर्बिटल खाली नजर आ रहा है आपको, तैयार है नहीं। अगर ऑर्बिटल खाली ही नहीं है तो यहां पे कैसे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा, डी ऑर्बिटल या कोई भी ऑर्बिटल जैसे पी ऑर्बिटल ही है, तो ये खाली रहेगा तब ना किसी पे अटैक हो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आएगा, जब वो खाली ही नहीं है तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम नहीं कर पा रहा है। या हम लोग इसका ही एग्जाम्पल लेते कि H3O जो लिए हैं इसके ऊपर ही, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, ऑक्सीजन का 8 क्या होता है, 1H2, 2H2, 2P4 ऐसा हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया कि 2S और 2P, देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, S में 2, 2P हो गया 2S, ठीक है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब कितना हाइड्रोजन बच गया है, 3 में से एक इसके साथ, एक इसके साथ, और इसके साथ एक आके क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, देखो भर गया। इसके पास ऑर्बिटल खाली है, बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन रहा है नहीं, खाली रहेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा तब ना ये बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल्स, तो यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में काम नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोफाइल होगा कभी, अब किन केसेस में इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा, ध्यान देना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल कब होगा, बुक्स में अगर दिया हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है लेकिन कब कर रहा है, ऐसे डायरेक्टली दे देगा तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि देखिए इसके पास ऑर्बिटल रीजन क्या लिखना है, विदाउट नो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम नहीं कर रहा है। अब आगे ध्यान देना हल्का, ये नोट कर लिए, आगे देखते हैं। जिसे हम लोगों ने बात क्या कर रहा था, NH4 ही है, इसके ऊपर प्लस चार है, ठीक है। अगर ये बोल दे, क्या बोल दे आपको कि NH4+ जो है वो एक्वस मीडियम है, आपका क्या है कि NH4 जो है वो किसमें है, एक्वस में, ठीक है, एक्वस है, तो इसको क्या कर रहा है कि डिसोसिएशन अलाउड कर रहा है कि ये टूटना फूटना इसका हो रहा है, तो डिसोसिएशन अगर अलाउड कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, NH3 बना दे रहा है प्लस H+ बना दे रहा है, तो यहां पे H+ जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है, क्या है ये, इलेक्ट्रो, अगर एक्वस में दे दिया है और इसको क्या कर रहा है कि डिसोसिएशन अलाउड कर रहा है, तब क्या कर रहा है, NH4+ आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्टली दिया है मींस ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सेम केसेस H3O के साथ भी होता है, H3O+, इसका भी अगर डिसोसिएशन अलाउड कर रहा है तो क्या बन रहा है, वाटर बना दे रहा है प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है, तब ये क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, जो एकदम लोअर वाले होते हैं वो सिर्फ इतने याद रखते हैं कि जितने भी प्लस चार्ज वाले होते हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स,
जो कि डीपली नहीं पढ़ते, लेकिन जो बच्चे डीपली पढ़ते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो वो सारे रीजंस जो जान के पढ़ता है वो क्या करेंगे, वो बताएंगे कि अगर एक्वस में है तब ये हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल, क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन अलाउड कर रहा है, तब अगर टूट ही नहीं रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसके पास ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में नहीं काम कर रहा। जब ये डिसोसिएशन अलाउ कर दिया और ऑर्बिटल खाली हो गया, मींस इलेक्ट्रोफाइल बन गया, समझ आ गई ना बात, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि ये क्या हो गया, आपका हो गया कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट चलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट और ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रोफाइल या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। कुछ नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, या हम लोग लिख सकते हैं न्यूट्रल, ठीक है। अब ध्यान देना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, BF3, BCl3, BBr3, BI3, ये सब क्या हो गया आपके इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में काम कर रहे हैं, किस प्रकार के, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। इसके ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट जो है मींस कहते थे ना 2, 8, 18, वो वाला जो ऑक्टेट है इसका भरा हुआ नहीं। अब कैसे है? और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे BeCl2 है, और भी ले लेते हैं जैसे AlCl3 है। अगर इस प्रकार का मॉलिक्यूल्स दे दे जो प्लस चार्ज नहीं है लेकिन क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। लेकिन बात यहां आई कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट मींस देखिए, मान लेते हैं कि BF3 ही लेते हैं तो क्या है कि तीन है, F F F, अगर ब्रोमीन जैसे क्या है, बी है बोरोन है, तो बोरोन का हम लोग अगर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्टेट इसके साथ बंध बना के, इसके साथ बॉन्ड बना के, इसके साथ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जा रहे हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना। लेकिन ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन इसके पास है क्या, नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता है, इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये क्या हो रहा है आपके न्यूट्रल के रूप में या इनकम्प्लीट ऑक्टेट के रूप में, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करते हैं, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। हम लोगों ने टॉपिक में लिखा क्या क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, जिसके पास कुछ कम रहेगा वही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है। देखिए इसको कितनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है। और भी दूसरे ही ले लेते हैं, क्या है, BeCl2 है, ले लो कितना इलेक्ट्रॉन्स हुआ, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हो पाए बेचारे के साथ, 2 और 2, 4, कितने कम हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स बेचारे के पास कमी हो गया, क्या हो गया, ये आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में काम कर रहे हैं। और भी होता है, इसको नोट कर लेना है, और भी जैसे आपके पास क्या है, CH3 के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मींस कितना हो गया आपका, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल्स के नाम से जानते हैं, फ्री रेडिकल्स, जो इंटरमीडिएट में आपको और भी डिटेल में बताया जाएगा, प्रीवियस लेक्चर में भी इसको थोड़ा सा बताया गया था, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स जो होता है ये भी क्या होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ऑक्टेट इसका भर नहीं रहा है, मींस देखिए कितना कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर कितना बॉन्ड बना रहा है, 3, तो 3, 2, 6 और 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी ऑक्टेट क्या है, भरा हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, यही से दे दिया गया, देखिए कितना है, 3, और इसके पास टोटल 4 था, 1 दे दिया, 3, 3, 6, कितने इलेक्ट्रॉन,
छह इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट या कार्बन आयन कहते हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? छह। तो क्लियर हो रही ना कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, ऑक्टेट पूरा भरा हुआ नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में वो होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो उतना है ही नहीं, तो इसके पास क्या होगा कि सिंपल फंडा क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ न्यूट्रल होंगे। अब नेक्स्ट वन थर्ड पॉइंट देखिए, जिसमें क्या होता है कि पार्शियल पॉजिटिव, ये सब एग्जांपल्स को नोट करना है, ये सब एग्जांपल्स को क्या करना है कि आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल हाई या नहीं। तो सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने लिया क्या, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जो काम करने वाले हैं वो या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, या क्या कि पॉजिटिव नेगेटिव ना होने के अलावा जो होता है वो, तो जैसे पॉजिटिव वाले देखे तो इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, नेगेटिव वाला तो अभी गए ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल में जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग पार्शियल पॉजिटिव और नहीं एंड लिख देते एंड नेगेटिव चार्ज, वैसे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जिसके पास क्या है पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव क्या है चार्ज। ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, तो क्या होता है SO3 बहुत सारे बुक्स में पूछता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है कि SO3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, एकदम बेधड़क होकर क्या करना है कि SO3 आपका क्या है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो SO3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, जैसे देखिए इसके पास कितना है सल्फर के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 6, तो ये कितने ऑक्सीजन है 3 3। ठीक है, 3 है ऑक्सीजन, तीनों को क्या किया 2 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिच स्पीशीज होता है, मींस जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा, मींस ये क्या हो रहा है आपको क्या कह सकते हैं ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये भी क्या हो जा रहा है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव कौन सा है सल्फर। तो ये क्या हो गया कि आपका इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कर रहा है, जिसमें क्या कि पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो, समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल्स के टाइप्स। अब आगे देखना है कि लेविज एसिड वर्सेस क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो लेविज एसिड से कंपेयर करते हैं कि जितने भी लेविज एसिड वाले होते हैं वो, उसके बाद हल्का सा देख लेते हैं कि कभी कभी कहीं पे आता है कि लेविज एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इसका टाइप, हल्का सा वहीं पे छोटा टॉपिक हम लोग दे देते हैं। लेविज एसिड लुईस के नाम से जाना जाता है, लेविज भी बोलता है लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड, अब लुईस एसिड जो होता है ध्यान देना है, लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज होता है मींस जितने भी लुईस एसिड होंगे वो क्या होंगे इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में होंगे। मींस क्या कहते हैं कि लुईस एसिड कहते किसे हैं जो क्या कर सके एच प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके डोनेट कर सके या एक्सेप्ट कर सके। तो आपको क्या करना है कि एसिड अगर बोले तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, क्या कर सके विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेप्ट कर रहा है ले रहा है तो उसको क्या कहते हैं लुईस एसिड कहते हैं।
अगर बेस का ये लुईस बेस के बारे में भी डिस्कस होगा तो वहां क्या होगा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता हो, जिसको देता हो, उसको क्या कहते हैं एसिड, और जो क्या कहते हैं लेता है उसको क्या कहते हैं बेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि लुईस एसिड जितने भी होंगे और लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होगा, इसलिए क्या होगा कि ये हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में होंगे। लेकिन एक बात को ध्यान देना है, ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट या लुईस एसिड। क्या बात ध्यान देना है कि जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो लुईस एसिड नहीं होंगे, लेकिन लुईस एसिड जितने भी होंगे सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ठीक है, लेकिन इस बातों को हल्का सा हम लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है क्यों होता है क्यों नहीं होता है, नहीं तो हम लोग ऐसे ही लिख दिए तो क्या होगा, मतलब कोई मतलब नहीं, सिर्फ रट लेना है होता है नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं होता है वो हल्का सा ध्यान देना है। ठीक है, जैसे देखिए आपके पास क्या है, CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। हम लोगों ने अभी प्रीवियस कुछ मिनट्स पहले पढ़े कि ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि लुईस एसिड बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब लुईस एसिड क्या कहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, उसके पास क्या हो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, मींस लोन पेयर को लेने की टेंडेंसी, पेयर मींस क्या है कम से कम दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर में। ठीक है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखिए 3 और 3 6 ऐसे करते ना 1 2 3 1 1 1 इतना है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो एक इसमें कितना है एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 3 बॉन्ड बराबर और 1 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितना है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब लुईस जो कहता है वो कितना कहता है, कम से कम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी होनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए, लोन पेयर तो ले ही नहीं पा रहा है, कितना इसके पास एक भाग, एक इलेक्ट्रॉन खाली ऑक्टेट को पूरा कर रहे हैं, एक कम है तो एक ले रहा है, क्या है इसको दो लेने की टेंडेंसी नहीं है। जब ये पूरा पेयर नहीं ले पा रहा है तब ये क्या है लुईस एसिड काम नहीं कर रहा है, ये लुईस एसिड नहीं है लेकिन क्या है इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्लियर हो गया, तो ये सारी स्टोरी रहे आपके क्या इलेक्ट्रोफाइल्स, आपको नोट करना है, हर एक जगह आपको जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म होंगे हर एक जगह पे ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी, क्या आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है मींस क्या इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या करेगा अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, लेकिन मैक्सिमम न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक करते हैं। तो ध्यान देना ये सारे बातों को और ये सारे पॉइंट्स को आपको सेट कर लेना है, एकदम लॉक कर देना है, ताकि क्या हो कि आगे जाके दिक्कत नहीं है आए कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 अगर हम लोगों ने लिखा है तो पॉइंट नंबर 2 लिख लेंगे क्या न्यूक्लियोफाइल। फिर से आ गया आपका क्या था वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच, एकदम धनी व्यक्ति है रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, मीन्स यहां पे फिर से देखिए आप इसको अच्छे से देखिए, न्यूक्लियस क्या न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब तो आपको पता है फाइल 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 मतलब लवर हो जाता है प्यार करने वाला। ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, किससे प्यार करने वाला न्यूक्लियस से प्यार करने वाला कोई, हम लोग क्या कहते हैं
न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। मींस ये अटैक करेगा या इसको जो होता है जरूरत पड़ेगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या करेगा अटैक करेगा, ठीक है, जो क्या है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, क्योंकि ये बेचारा तो खुद एकदम रिच है। मींस हम लोगों ने देखा था ना, जिसके पास कमी होगी वो किसके पास जाएगा, अधिक वाले के पास, जिसके पास अधिक होगा वो किसके किससे दोस्ती करेगा, जो कम है। मींस ये अटैक किसके साथ कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, क्योंकि इसके पास क्या है न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर हो जा रहा है, इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई है, हम लोग ऐसे ही डिस्कस किए। अब इसके बारे में दो लाइन लिख लेते हैं कि क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, तो आगे बढ़ेंगे। द रिएजेंट हैव एन एफिनिटी फॉर द न्यूक्लियस, दैट इज फॉर नेगेटिव सेंटर। द रिएजेंट हैव एन एफिनिटी फॉर द न्यूक्लियस दैट इज फॉर नेगेटिव सेंटर। ओह सॉरी, इसमें नेगेटिव सेंटर क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटर था, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव सेंटर, ठीक है। क्या होगा इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या करते हैं इसको न्यूक्लियोफाइल करते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कि वैसे मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं कि जिसके पास एफिनिटी होता है न्यूक्लियस के प्रति संबंध बनाने की कैपेसिटी होती है, और वो किसके ऊपर पॉजिटिव सेंटर की ओर अटैक करते हैं, ठीक है। जो क्या है नेगेटिव है, लेकिन वो किसके ऊपर अटैक करेगा पॉजिटिव की ओर, उसी को हम लोग क्या करते हैं न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय किससे, या तो इसको लिख सकते हैं NU लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग, न्यूक्लियोफाइल को हम लोग डिनोट करते हैं, या तो हम लोग कहीं कहीं बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, या तो ऐसे रहेगा या इस प्रकार से रहेगा, नेगेटिव चार्ज के साथ हो सकता है या डायरेक्टली लिख देगा। तो ये क्या हो गए कि आपके न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लगाते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो न्यूक्लियोफाइल होंगे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्या होंगे कि न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेंगे, कौन कौन से, और कौन वाले हैं जो न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम ही नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे रहेगा, ठीक है। तो लिखना है नेक्स्ट टॉपिक, हल्का सा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अब उसके बारे में क्या देखना है कि उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कहता है कि पहला कि नेगेटिवली चार्ज जितने होंगे, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे न्यूक्लियोफाइल होंगे, जैसे क्या है Cl, Cl के ऊपर माइनस, अगर Br है Br के ऊपर माइनस, ये सब क्या काम कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहे हैं। आयोडीन के ऊपर माइनस या OH के ऊपर माइनस, इस टाइप के अगर मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या कहेंगे न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। जितने भी नेगेटिवली चार्ज वाले होंगे वो सारे क्या कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो वो क्या होंगे न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेंगे, इसमें एक्सेप्शन नहीं आता है, ठीक है। तो दूसरा क्या कहता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल या लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, या तो वो क्या होगा न्यूट्रल होगा, या तो क्या होगा लोन पेयर कंटेन करेगा, वो सारे को क्या कहेंगे न्यूक्लियोफाइल के रूप में हम लोग कहेंगे। जैसे देखिए वाटर हो गया आपका H2O, लोन पेयर कंटेन कर रहा है,
नाइट्रोजन में NH3 देखिए आपका क्या है लोन पेयर कंटेन कर रहा है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, या तो हम लोग अल्कोहल ले लेते हैं ROH लोन पेयर कंटेनिंग, तो ये सारे क्या हो जाएंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ये लोन पेयर जिसमें है वो वाले न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्या कहता है कि थर्ड नंबर जो होता है वो क्या होता है कि वैसे न्यूक्लियोफाइल जो कि क्या होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाले, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाले न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक होता है क्या है कि अगर मेटल डायरेक्ट कार्बन से अटैच हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। ये सब सारे क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिफिक, देखिए इसी के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े पूरे, देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरा था, एक इलेक्ट्रॉन्स और लोन लेके क्या कर दिया 8 पूरे एकदम इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिफिक है जो कि किस रूप में काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या कहता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाले न्यूक्लियोफाइल, तो हम लोग हर जगह पढ़े हैं आर MgX, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, 11th क्लास में आप पढ़ेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसके साथ क्या लगा देते हैं, मान लेते CH3 MgCl ऐसे, देखिए कार्बन किसके साथ मैग्नीशियम के साथ डायरेक्टली अटैच, तो ये क्या होते हैं आपके ऑर्गेनोमेटेलिक वाले इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम लोगों ने देखा, अब कुछ और एक और न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं जो किस प्रकार के होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन वाले, थर्ड क्या है फोर्थ क्या है पाई इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास क्या होगा, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वैसे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो वैसे न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या होते हैं, जैसे आपके पास देखिए ऐसे दे दिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इथीन जो है वो क्या है न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है, कहीं पर अगर दे दिया गया तो इथीन क्या है आपके पास न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है, इसके पास क्या है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, या यही दे दिया जाए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला मींस इथाइन, ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन रिच है मींस न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सबसे मोस्ट एग्जांपल एकदम जो कह सकते ना इंपॉर्टेंट वाले एग्जांपल वो क्या है बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं पाई इलेक्ट्रॉन से देखिए इसका मूव होता है, ऐसे मूव हो जाएगा इधर से इधर हो जाएगा घूमता घूम जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या होता है ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है इलेक्ट्रोफाइल, क्या करता है कि इस पे हम लोग आगे जो रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें तो वो क्या होगा कि देखेंगे कि जितने भी है तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होगा वो क्या करेगा कि बेंजीन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, ना कि ये जाके किसी के ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर मान लिया जाए अटैक हुआ तो ये इधर ट्रांसफर हुआ ये इधर ट्रांसफर मींस घूमता है रेजोनेंस बनता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल के अंतर्गत हम लोगों ने ये सारी चीजों को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, किस प्रकार से इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आते तो नीचे से ऊपर जाते तो क्या क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, आगे बने रहिए, थैंक्स।